हेलो सो so, अब हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस के आगे वाले पार्ट तो ये है आपका पार्ट टू ठीक है सो so, इसमें स्टार्ट करेंगे हम लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हमने देख लिया लीनियर स्ट्रेन देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है लीनियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में दोनों आपका नॉर्मल फोर्स के कारण अकर होता है नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पर जो लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा यह भी किसके कारण होगा ये आपका नॉर्मल फोर्स के कारण अकर होगा ठीक है तो पहले हम लीनियर देखते हैं लीनियर में क्या हुआ सपोज आपका एक बार है यहां पर कुछ प्रेश फोर्स लग रहा है ठीक है फोर्स लग रहा है तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा कितना डिफॉर्मेशन हुआ आपका डेल एल डिफॉर्मेशन हुआ ओके okay. तो आपका स्ट्रेस कितना हुआ सपोज आपका फोर्स है पी है ना आपका स्ट्रेस कितना होगा ये आपका फोर्स अपॉन एरिया डेट इज पी बाई ए ये आपका फोर्स अपॉन एरिया आपका ऑब्वियसली इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका जीरो हो जाएगा आपका स्ट्रेन कितना है ये आपका डेल एल आपको स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन हो गया तो आपका हुक्स लॉ क्या बोलता है अगर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर है तो आपका जो यंग्स मॉडुलस है वो हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन डेट इज इस, इसको ये हो जाएगा पी एल सॉरी ये हो जाएगा आपका पी एल बाय ए इंटू डेल एल ठीक है ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा Young's हो गया लेकिन आपको अगर चेंज इन लेल एल हो जाएगा आपका पी एल बाई ए पी एल बाय आपका चेंज इन लेंथ हो गया ठीक है तो ये आप अगर आप भूल भी गए तो इजिली आप डराइव कर सकते हैं स्ट्रेस आपको पता है फोर्स ऑप ऑन एरिया होता है स्ट्रेंथ पता है चेंज इन लेरिजिनल आपको यंग्स मॉडल्स बायस बाय स्ट्रेंथ तो यहां से आप डराइव कर सकते हैं थीके? तो ये आपका आपका क्या है? रिजिडिटी हो गया इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर याद नहीं भी रहेगा तो ए का यूनिट होता मीटर यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन आ जाएगा अगर ये आपका परफेक्टली रिजिड है परफेक्टली रिजिड, रिजिड है मतलब डेल एल क्या हो जाएगा जीरो होगा डेल जीरो जब ए इंफिनिटी हो जाएगा तो आपका परफेक्टली रिजिड में ए ही आपका इंफिनिटी होता है या तो अगर ए इंफिनिटी है तो आपका परफेक्टली रिजिड हो गया ठीक है अब इसके कुछ लिमिटेशन है लिमिटेशन क्या प्रिज्मेटिक होना चाहिए आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए फिर लोड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहना चाहिए अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है तभी आपका हुक्स लॉ आपका वैलिड रहेगा डेट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर जैसी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के ऊपर हुआ तो यह रिलेशन नहीं होगा तो आपको जो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई ये आप यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है और ग्रेजुअल लोड ली इम्पैक्ट लोड नहीं होना चाहिए ग्रेजुअल लोड होना चाहिए ठीक है अब इसका इसके कारण हम सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन अब देखिए कि एक्सटर्नल लोड है उसके कारण कितना डिफॉर्मेशन होगा पीएल बाई लेकिन सेल्फ वेड के कारण भी तो डिफॉर्मेशन होगा ना ठीक है इसमें क्या है हम सेल्फ वेट को इग्नोर कर दिए थे इस केस में लेकिन अगर सेल्फ वेट को इंक्लूड करना है या सिर्फ सेल्फ वेड के कारण देखना है तो क्या हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू क्या होता है पी एल बाई ए पता है पी के जगह क्या अगर सेल्फ वेट क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ एक्ट कर रहा है आपके इसके सेन्ट्रॉइड में मतलब आपका एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P बाई ए हो गया लेकिन लेंथ कितना है W किस पे एक्ट कर रहा है L बाई टू पे एक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा पी एल बाई टू ए हो गया ठीक है ये आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट पी एल बाई टू ए यहाँ पर W लिया अगर सेल्फ वेट W लिया तो P की जगह W लिख दो ठीक है अच्छा अब ये W अगर आपको इसको थोड़ा अलग से करती हैं आपका डेल एल आया डब्लू एल बाई टू ए आ गया अब आपको वेट नहीं पता है वेट निकालना है सपोज आपका कंक्रीट है कंक्रीट का आपको क्या पता है स्पेसिफिक वेट पता है कंक्रीट या कोई मटेरियल है उसका स्पेसिफिक वेट है पता है लेकिन आपको क्या वेट निकालना है तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है या वेट डेंसिटी क्या होता है डब्ल्यू बाय वॉल्यूम तो आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा गामा इंटू वी वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ ठीक है सो यहाँ पर आपका डेल एल क्या हो जाएगा डब्ल्यू की जगह ये सब कर देंगे गामा ए एल इंटू आपका सेकेंड गामा ए एल हा इनटू लेंथ बाय टू ए ये हो गया तो ए ए कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा गामा एल स्क्वायर बाय टू ई ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका डेल एल आ गया मतलब चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट ठीक है तो किस पे डिपेंड कर रहा है ना ही एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना ही आपका क्रॉस ना ही शेप पे डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है ये सिर्फ आपका एल पे पर ऑब्वियसली आपका यंग्स मॉडल्स और आपका डेंसिटी तो हाई वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना चाहे कोई भी शेप या साइज का लो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ ठीक है तो डेल एल सिर्फ आपका लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर किस केस में अगर आपका सेल्फ वेट ले रहे हैं तो ठीक है ओके सो सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड एरिया प्रोपोर्शनल टू एल हुआ अब आपको लेंथ निकालना है लेंथ यहाँ पर निकाले एक्सटर्नल लोड के कारण है ना यहां पर आप निकाले एक्सटर्नल लोड के कारण क्या है पी एल बाई या पी की जगह एक्सटर्नल लोड क्या डब्लू ही लग रहा है तो ये क्या है डब्ल्यू एल बाई और आपका सेल्फ वेट के कारण क्या डब्ल्यू एल बाई टू ई ध्यान रखना है डेल डब्ल्यू क्या है आपका सेल्फ वेट है लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर वो भी अगर डब्ल्यू अमाउंट का निकाल रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ डब एक्सटर्नल वेट का अ,

नेक्स्ट है आपका सेल्फ वेट स्ट्रेस अभी हम सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन देखिए आप सेल्फ वेट स्ट्रेस ऑल ये जो सेल्फ वेट स्ट्रेस हो गया डिफॉर्मेशन हो गया ये एग्जाम में आया नहीं है गेट एग्जाम में एक दो बार पी में आ चुका है या पी का हो गया या पी का, का हो गया सो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो भी चलेगा लेकिन क्या पता गेट में अगर आ जाए इन केस क्योंकि अभी अभी ट्रेंड हो रहा है कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं इसको छोड़ने नहीं रहा हूँ ठीक है चाहता तो छोड़ सकता था लेकिन टॉपिक कम हो सकता था लेकिन आ सकता है इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ इतना कोई हार्ड टफ है भी नहीं सेल्फ वेट स्ट्रेस सेल्फ अवेट अगर आपका बार है तो वेट कहाँ लग रहा है बीच पे लग रहा है सेल्फ अवेट कहाँ कॉन्सनट्रेट हो गया सब सपोज ठीक है ये हुआ ये, ये कितने लेंथ पे है ये है आपका एल बाई टू है ये भी आपका एल बाय टू है तो यहां पर सेल्फ वेट क्या है इस सेक्शन में तो सेल्फ वेट जीरो है ना तो आपका बॉटम में सेल्फ स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट क्या हो जाएगा ये आपका जीरो हो जाएगा जब वेट ही नहीं है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो जैसे जैसे बढ़ते आएंगे तो इसका कुछ सेल्फ वेट होगा जहां बढ़े इसका कुछ सेल्फ वेट होगा तो ये आपका वेट क्या बढ़ते चले गया स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है वेट अपॉन एरिया ठीक है एरिया तो आपका कॉन्स्टेंट है तो वेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो ये आपका लीनियरली बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली यहां पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपका पूरा वेट इंक्लूड हो जाएगा तो ये आपका सेल्फ वेट का डायग्राम हो गया ठीक है

तो आपका ये प्रिज्मेटिक बार है यहाँ पर लोड लगा है डब्ल्यू तो यहाँ पर भी लोड डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पर भी डब्लू यहाँ पर सब जगह डब्ल्यू लग रहा है तो स्ट्रेस क्या होगा ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और किसके इक्वल होगा सपोज आपका लोड पी लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका पी बाई ए ठीक है ये हुआ तो ये आपका स्ट्रेस हुआ नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे अभी हम बात कर रहे थे लीनियर के बारे में ठीक है लीनियर वेरिएशन क्या हो रहा है अब हम वॉल्यूमेट्रिक के कारण क्या हो रहा है ये चेक करते हैं सपोज आपका क्यूबॉइड है एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या ये आपका स्ट्रेसेज है तो स्ट्रेन क्या होगा हमें क्या पता है ई यू हुक्स लॉ आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लेकिन यहां पर क्या ये आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है क्या नहीं यहां पर तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया गया ना तो आपको स्ट्रेन का भी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है तो वो क्या निकालेंगे ठीक है अलग से देखेंगे तो ई क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ इन एक्स ड्रेक्शन बाय ओरिजिनल लेंथ इन डेड डायरेक्शन ये हो गया ठीक है लेकिन अगर स्ट्रेसेस के टर्म्स में निकालना होगा तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, सिग्मा ए, आपका सिग्मा एक्स बाई तो, सिग्मा एक्स बाई आपका सिग्मा बाई सिग्मा बाय कैपिटल ई सिगमा बाई यंगडुल्स क्या होता है स्ट्रेणी होता है ना लेकिन ये यंग्स मॉडल्स लेकिन आपके वाई और जेड के कारण भी आपका ई एक्स में कॉन्ट्रीब्यूट होगा तो यहां पर माइनस सिग्मा बाय वाई वी माइनस सिग्मा जेड बाई ये लिख देना सामने आप ये म्यू लगा देना म्यू क्या है आपका ये आपका पॉइजन रेशो ठीक है इसको अगर आप और इसको आप और ठीक करें या कॉमा एक सेकेंड इसको लिख सकते हैं आप सिग्मा एक्स ई इसको रीअरेंज करके कर लिखेंगे तो आपका म्यू कॉमन आ गया है ना म्यू बाय ई कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा

ठीक है तो यहां पर आपका अगर हम चेक करें तो यहां पर भी आपका ई एक्स ई वाई ई जेड आपका क्या ई e एक्स सिग्मा सिगमाएक्स बाई यहां पर एक्स से पहले तो उसको लिख लो जो बच गया वो आपका ऐड कर दो और म्यू बाई से आपका इंटू कर दो सिमिलरली वाई तो वाई पह, पहले लिख दिया माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड आपका सिग्मा जेड है तो पहले क्या आएगा सिग्मा जेड आ गया माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई तो आपका स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन लेकिन हमें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया ना तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम तो ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये

स्ट्रेस ठीक है पहले तो आपका स्ट्रेन देख लेते हैं स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर होगा अल्फा टी सिंपल अल्फा टी बोल लो या अल्फा डेल टी हो गया हो गया चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसके कारण क्या होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ईटी है ना तो ई क्या हो जाएगा एफ्सलॉन टी ये आपका डेल एल बाई एल हो गया या तो आपका डेल बी बाई बी वेयर अल्फा क्या है अल्फा कोफिजेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ठीक है जरूरी नहीं आपका टेम्परेचर के कारण हमेशा एक्सपेंड होगा टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा टी टू माइनस टी वन ये आपका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर अगर टी टू बढ़ गया तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा टी टू माइनस टी वन तो ई टी क्या जाएगा ये आपका पॉजिटिव आएगा डेट इज आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर टी टू लेस देन T1 है डैट इज़ अगर वो ठंडा हो रहा है फाइनल टेम्परेचर कम है मतलब ठंडा हो रहा है तो ये माइनस आ जाएगा तो ये आपका ई टी क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस इस केस में आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू मतलब लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठंडा तो हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है अगर इसलिए देखते हैं कि गर्मी के चीजें में कई अगर लकड़ी के गेट है कि, कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो क्या ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं है ना और ठंडी के चीज में उल्टा हो जाता है ठीक है सो तो पहला केस है आपका प्रिजमेटिक बार फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्री टू एक्सपेंड ये ध्यान रखना फ्री टू एक्सपेंड है ना प्रिजमेटिक बार है अब आप इसका सपोज टेम्परेचर चेंज हो गया हमें नहीं पता कुछ जितना भी सपोज चेंज हो गया उसके कारण क्या हुआ डेल एल इंक्रीज़ हो गया इंक्रीज हो गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ठीक है जो भी है तो डेल एल बाई एल क्या यह तो आपका स्ट्रेन है ना स्ट्रेन क्या होता है अल्फा टी तो डेल एल क्या हो जाएगा अल्फा एल टी

अगर आप किसी को कोई रोक टोक ना करो तो कोई स्ट्रेस होगा क्या कोई नहीं होगा लेकिन आप अगले दिन उसको रोको या टोक दो तो उसको कुछ स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा ना तो आपका फ्री टू एक्सपेंड है कोई स्ट्रेस नहीं है तो सिंगमा टी आपका जीरो हो गया

एक्सपेंशन आपको टेम्परेचर के कारण इतना वो होता अगर फ्री टू एक्सपेंड होता लेकिन अब क्योंकि फ्री टू एक्सपेंड नहीं है तो उसको रोकेगा कौन रोकेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो पी एल एल बाई से रुकेगा सो so तो आपका स्ट्रेस निकालना है स्ट्रेस क्या होता है पी ए तो पी बाई ए क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो गया अल्फा टी ई ठीक है ये आपका स्ट्रेस हो गया किसमें जब आपका फिक्स है दोनों जगह अच्छा कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्ट आपको स्ट्रेन पता है स्ट्रेन क्या है एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू अल्फा टी तो इससे आप स्ट्रेस तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे स्ट्रेस क्या है आपका कैपिटल ई e बाय सॉरी कैपिटल ई इंटू स्मॉल अल्फा टी ई तो डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं ना तो इसमें क्या दिक्कत है डायरेक्टली ऐसे निकालने था, ये ऐसा क्यों की है तो यह आपका थर्ड केस में पता चलेगा ठीक है इसमें डेरिवेशन में यहां पर आसानी जाएगी थर्ड है आपका ईल्डिंग सपोर्ट ठीक है ये थोड़ा अलग से देखते हैं नेक्स्ट पेज में सो यह थर्ड केस है ना दोनों का मिक्सचर है ठीक है ये क्या हो एक प्रिजमेटिक बार है जो कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर फिक्स्ड है अब ये क्या है पहले में क्या था कि एकदम फ्री था दूसरे में क्या था एकदम फिक्स अब तीसरे में क्या कुछ कुछ अमाउंट तक आपका फ्री है है ना मतलब ये यहाँ तक आपका एक्सपेंड हो सकता है ये कितना है ये आपका सपोज डेल है है ना ये डेल है लेकिन अगर यहाँ पर उसके बीच में आप पर एक्सपैंड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर वो बोला कि मुझे तो ज़्यादा जाना है मुझे और आगे जाना है ठीक है मुझे आपका प्रोड्यूस ये विजिबल नहीं है इतना अच्छा एक सेकेंड अब वो बोला कि मैं अगर वो यहां तक ए, एक्सपेंड हो रहा है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो आपका क्या तो हो जाएगा फ्री टू एक्सपेंड वाला केस होगा मतलब आपका स्ट्रेस कितना हो जाएगा स्ट्रेस से जीरो हो जाएगा लेकिन अगर वो आगे तक एक्सपेंड होता है ना यहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है मतलब एल अल्फा टी एल अल्फा टू क्या है ये आपका एक्सपेंशन है ना इसको कैसे निकाले थे प्रीवियस Pre केस में आपका स्ट्रेन क्या था अल्फ़ा टी so ये क्या है आपका डेल एल बा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा टी तो डेल एल क्या हो जाएगा एल अल्फा टी तो वही है अगर एल अल्फ़ा टी एल अल्फा टी अगर लेस देन डेल है मतलब ये इसके अंदर आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं मतलब फ्री टू एक्सपेंशन है कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है तो अब उस केस में आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो हो गया लेकिन अगर अल्फा एल अल्फ़ा टी ग्रेटर देन डेल है तब आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा लेकिन यहाँ तक तो फ्री है इतने पार्ट के लिए स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये कितना है एल अल्फा टी माइनस डेल ठीक है एल अल्फा टी माइनस डेल इतना वो प्रोड्यूस होगा इतना वो इतने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेन इसको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा पी एल बाई ए थीके? पी एल बाई ए ही। तो स्ट्रेस क्या हुआ पी बाई ए ठीक है सो तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा एल अल्फा टी माइनस डेल इन टू ई डिवाइड बाई एल ये हो जाएगा इसको अगर आ, और क्लियरली लिखें सिग्मा इज इक्वल टू एल अल्फा टी माइनस डेल ये आपका इतना पार्ट इतना पार्ट है उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा इन टू एल डिवाइड बाई एल ठीक है इन टू ई डिवाइड बाई एल तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका स्ट्रेस हो जाएगा ईल्डिंग के केस में ठीक है ईल्ड सपोर्ट इतने तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके आगे आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा इसीलिए आपका सेकंड के लिए मैंने ये डराइव किया था डैट इज फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन प्रोवाइडेड सेम यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन कितना है आपका फ्री एक्सपेंशन एल अल्फा टी माइन सॉरी यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन नहीं लिखना चाहिए आपके इल्डिंग के बाद कितना एक्सपेंशन है एल अल्फा टी माइनस डेल उतने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा पी एल बाई ए ई इसको पी एल बाई ए रजिस्ट करेगा तो अल्फा टी की डेट इज पी बाई ए रीअरेंज करके एल अल्फा टी बाय डेल माइनस डेल इन ई बाई एल ठीक है तो ये आपका स्ट्रेस हो गया ओके okay. नेक्स्ट है आपका कंपोजिट बार्स कंपोजिट बार्स कंपोजिट आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि आपके दो बार्स दो बार्स होने चाहिए ठीक है सो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल वो क्या होने चाहिए डिफरेंट मटेरियल सेम मटेरियल के लिए वो आपका नहीं होगा सो सपोज आपका पहला केस अगर वो सीरीज में है सीरीज में एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसका कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका अल्फा एस है इसका आपका अल्फा सी है हमें पता ther है कि कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा रहता है डैट इज अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस ठीक है ये आपका कंडीशन है तो ये तो दोनों आपका फिक्स है ना तो ये तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपका एक्सपेंड होने की कोशिश तो करेगा लेकिन एक्सपेंड हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा एक्सपेंड होने की कोशिश का अगर ये फ्री हो तो कितना एक्सपेंड होने की कर, कोशिश करता एल अल्फा टी टेम्परेचर बढ़ा लेकिन ये एल सपोज ये आपका एल ऑफ एस है ये एल ऑफ कॉपर है तो एल अल्फा ये आपका स्टील के केस में लेकिन कॉपर भी तो बढ़ना चाहता ना तो एल अल्फा टी आपका कॉपर तो यह आपका फ्री एक्सपेंशन होता है उसको रजिस्ट कौन करता आपका आपका एक्सटर्नल फोर्स लगता एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपका रजिस्टेंस प्रोवाइड होता ठीक है तो रजिस्ट कौन करता यह तो आपका फैलने की कोशिश करता इधर से आप इधर से रजिस्टेंस प्रोवाइड होता तो यह होता आपका पी एल बाई एन ए केस ऑफ स्टील प्लस पी एल बाई एन ए केस ऑफ Copper. तो ये आपका इक्वेशन हो गया यहां पर आपका लिखा गया अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता तो ये बढ़ने की कोशिश करते।, करते इसको रिड्यूस कौन करता ये आपका अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है लेकिन अगर डिक्रीज होता इन केस टेम्परेचर हो रहा है तो दोनों अंदर जाने की कोशिश करते ना कितना अंदर जाने की कोशिश करते एल एलफर्टी एल एल्फर्टी ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर माइनस हो जाता तो ये आपका डिक्रीज होता लेकिन ये क्या है अब ये बाहर ढकेने की कोशिश करता अब फोर्स आपका ऐसा लगता ठीक है अब उसको वो टेंशन में रखते ठीक है ओके okay. अब ये आपका सीरीज था नेक्स्ट पैरल ये भी ये जितने ये जितने भी टॉपिक है ना अगेन ये आपके प्रिवियस गेट में नहीं आए हैं दूसरे पी एस या ई एस ए इसमें सब आए हैं ठीक है ठीके? लेकिन अगर गेट में भी आ जाए इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ठीक है तो सपोज़ आप पैरल में है इसको थोड़ा अलग देखते हैं तो ये आपका कॉपर हो गया है ना ये आपका स्टील हो गया आपका ये कॉपर है ये स्टील है ठीक है अब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर अगर बढ़ा तो दोनों इंक्रीज होंगे कितने इंक्रीज़ होंगे किस पे डिपेंड करता है थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन पे है ना एल अल्फ़ा टी तो एल सेम है आपका टेम्परेचर तो दोनों के सेम होता है जि, जि, जिसका ज़्यादा अल्फा होगा ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो सब आपको ये तो पता है कि अल्फ़ा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फ़ा ऑफ सी मतलब कॉपर क्या ये आपका ज्यादा बढ़ेगा है हाँ ना लेकिन ये तो जुड़े हुए ना कॉपर और स्टील ये उन्हें सात सात जन्म सा, साथ रहने के लिए सात जन्म के कस्में खार उठ चुके हैं ठीक है ठीके? तो लेकिन ये क्या ये तो दोनों अलग अलग प्रोड्यूस हो गए ना टेम्परेचर के कारण अब स्टील बोलेगा कि नहीं तू पीछे कॉपर बोलेगा नहीं स्टील को आगे आने तो इन लोग क्या है इन लोग मांडवली कर लेंगे क्या बोलेंगे कि हम ए हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे ठीक है थोड़ा सा कॉपर क्या है थोड़ा पीछे आएगा कॉपर थोड़ा पीछे चले जाएगा स्टील थोड़ा आगे आ जाएगा सो ये कुछ यहाँ पर बीच में आने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसके लिए क्या होगा आपका फोर्स ये आपका पीछे जाएगा कुछ फोर्स से ये फोर्स आगे लगेगा तो ये आगे जाएगा डेट पी फोर्स आई होप ये विजिबल है अगर विजिबल नहीं है तो दूसरा ले लेते हैं ठीक है आई होप ये विजिबल होगा सो so, ये आपके थोड़ा बीच में आने की कोशिश करेंगे ठीक है ये लेकिन ये तो यहाँ है पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाने के लिए यहाँ से कुछ फोर्स लगेगा है ना उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा अब स्टील क्या है स्टील आपका यहाँ पर है प्रोलो एक्सपैंड होकर लेकिन और एक्सपेंड होना पड़ेगा कॉपर को मैच करने के लिए तो ये क्या टेंशन फोर्स लगेगा तो दोनों में फोर्स किस में लग रही है पी ठीक है ये हुआ ठीक है तो ये आपका और आपके दोनों क्योंकि जुड़े हुए हैं तो एक ही साथ रहना चाहिए इसलिए यहां कहीं आएगा दोनों आप ना मांडवली करेंगे तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा आपका सपोज आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है है ना ये कौन सा कैसा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तभी बल्ड टेम्परेचर डिक्रीज होता तो पीछे चले आते सपोज ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस केस का एग्जाम्पल तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका सेकेंड उस केस में हो जाएगा आपका एल अल्फा टी ऑफ स्टील है ना ये तो बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना उसको प्रेशर क्या कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है और बढ़ाने की कोशिश करेगा कितना बढ़ेगा डेट इज पी एल बाई ऑफ स्टील ये हो गया स्टील के केस में लेकिन कॉपर का कॉपर भी आपका बढ़ने की कोशिश करेगा ये तो बढ़ चुका है ना टेम्परेचर के कारण इतना बढ़ा है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या डिक्रीज करने की कोशिश करेगा डेट इज माइनस पी एल बाई ऑफ कॉपर ठीक है ये किस केस में ये आपका सीरीज के केस में हो गया ठीक है आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो बन जाएगा फॉर्मुला याद में नहीं रखना अगेन रिपीट कर रहा हूं ऑल दो कभी पूछा नहीं गया है तो आप देख सकते हो कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आप अगर चाहो तो स्किप भी कर सकते हो लेकिन अगेन मेरा सजेशन है पढ़ लेना क्या पता गलती से आ जाए कोई रिस्क नहीं लेने का है ना ओके okay, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या अगेन सीरीज में सॉरी अगेन पैरेलल में अभी तो टेम्परेचर इंक्रीज का देखे थे ना अब क्या हो गया टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ अगेन ये आपके अब अब आपका एक्सपेंड नहीं होगा अब क्या होगा अब ये डिक्रीज होगा है ना कौन ज्यादा डिक्रीज होगा जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिक्रीज होगा तो कॉपर यहाँ तक आ गया स्टील यहाँ तक आ गया सपोज ये आपका हाँ ठीक है यहाँ तक ले लेते हैं अब क्या बोलेगा दोनों अलग अलग अगर लेकिन दोनों ने तो कस्में खा रखी ना साथ में रहने के तो दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा ठीक है जब तक तलाक नहीं हो जाता जब तक इन लोग का बॉन्ड हटे नहीं जाता तब तक उन लोग को साथ रहना पड़ेगा मतलब ये कहाँ रहेंगे ये कहीं यहाँ रहेंगे तो ये यहाँ पहुँच चुका है मतलब इस फोर्स है ये आपका पुश करने की कोशिश करेगा स्टील यहाँ पहुंचे ये आपका फोर्स इधर लाएगा तो ये आपका टेंशन में रहेगा या आपका कंप्रेशन में रहेगा ठीक है ये आपका फोर्स रहेगा ओके okay. अब पहले कॉपर के लिए लिखते हैं कॉपर क्या है अल्फा एल टी ऑफ सी इतना पीछे आ गया है ना पीछे आ गया क्यों पीछे आया टी टू माइनस टी वन ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मतलब पीछे आ रहा है पी एल बाई इसको आगे करने की कोशिश करेगा प्लस पी एल बाई ए ई ऑफ कॉपर है ना ये दोनों प्लस है ये मत समझ लेना ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना ये आपका अल्फा टी है ना इसके कारण टी टू माइनस टी वन टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा सो मैग्नीट्यूड वाइज ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा तो दोनों अलग साइन रहेंगे यहां पर भले पॉजिटिव लिखे तो ये आप अगर समझ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा ठीक है यहां पर क्या हुआ कम हुआ लेकिन पीएल बाई इसको बढ़ाना चाहेगा ना बढ़ाने के लिए तो ऐड ही करना पड़ेगा ना तो ऐड कर दिए इज इक्वल टू अब स्टील स्टील अभी है ये ब्लैक वाले लाइन में यहां तक पहुंच चुका है क्योंकि अल्फा कम है तो कम आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ठीक है तो ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ अल्फा एल टी ऑफ स्टील ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन प्रेशर क्या करेगा और उस प्रेशर क्या पीछे भेजने की कोशिश कर पीछे के लिए माइनस पी एल बाई ए तो ये आपका स्टील में अगेन यहां प्लस है माइनस है दोनों तो ये अलग जा रहा है ये इतना पीछे गया है तो ये आपका अल्फा टी क्या है ये तो माइनस में ही है ना तो ये आपका माइनस पीछे जा रहा है लेकिन और माइनस का कर, पीछे करना है तो माइनस पी एल बाई स्टील तो ये क्या हो गया टेम्परेचर कम के लिए हो गया ठीक है वही आपका दिया है यहां पर अगर आपका आ, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो एक्सपेंड होगा एक्सपेंड हुआ कॉपर यहां तक पहुंच गया लेकिन उसको पीछे जाना पड़ेगा स्टील यहां तक पहुंचा लेकिन उसको आगे जाना पड़ेगा दोनों को साथ रहना मांडोली करना पड़ेगा ठीक है so, सो आपका कॉपर कितना सॉरी स्टील कितना एक्सपेंड एक्सपेंड हुआ है अल्फा एल टी प्लस एस लेकिन तो उसको तो और एक्सपेंड होना है ना तो पी एल वाई प्लस एस हो गया कॉपर कितना एक्सपेंड हुआ अल्फा एल टी ऑफ सी लेकिन उसको तो थोड़ा आपका कॉन्टैक्ट अंदर ना कि, कितना कॉन्टैक्ट होना होगा माइनस पी एल वाई ए ई ऑफ सी तो यहां टेम्परेचर इक्रीज में सिमिलरली आपका टेम्पेचर डिक्रीज में आ हो जाएगा है ना कॉपर ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ अल्फा एल टी सी लेकिन उसको थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ेगा एक्सपेंड के लिए आपका प्लस पी एल बाई ई ठीक है अल्फा टी आपका माइनस में रहेगा स्टील आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितना अल्फा टी बाई अल्फा एल अल्फा टी ऑफ एस लेकिन उसको तो और कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा माइनस कॉन्ट्रैक्ट होने के पीछे जाना पड़ेगा माइनस अल्फा टी माइनस पी एल बाई ई ऑफ स्टील ठीक है सो so, ये आपके दो कैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कॉपर को पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा मतलब क्या ये आपका कंप्रेशन में रहेगा स्टील क्या रहेगा स्टील को आगे जाना पड़ेगा तो ये आपका टेंशन में रहेगा ठीक है चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज में आपका ऐसा कुछ फिगर बनेगा कॉपर ज़्यादा ही पीछे हो गया उसको आगे जाना पड़ेगा मतलब ये आपका टेंशन में रहेगा तो कॉपर टेंशन में और इसका उल्टा आपका स्टील कंप्रेशन में ठीक है समझ के पढ़ना है तो सब बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अच्छा ये आपका क्या था फ्री टू एक्सपेंशन था फ्री टू एक्सपेंशन मतलब ये नहीं है कि आपका कितना भी बढ़ जाओ ये यहाँ पर तो फ्री टू एक्सपेंशन यहाँ से था लेकिन यहाँ तो बॉन्ड था ही ना ठीक है ओके okay. अगर ये हेल्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट अगर रिजिड सपोर्ट में दोनों फिक्स रहते तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो दोनों एक्सपेंड होने की कोशिश करते लेकिन ये सपोर्ट क्या करते वो तो बोलते कि नहीं तुम तो वही रहोगे चाहे कितना भी कोशिश कर लो ठीक है जेल के अंदर कैद हो तुम कितना भी चाहो एक्स बाहर निकलने के तुम तो बाहर नहीं निकल सकते तो दोनों क्या हो जाएंगे दोनों कंप्रेशन में आ जाएंगे ठीक है अगर टेम्परेचर होगा तो दोनों आपका डिक्रीज होने की कोशिश करेंगे यहां पर आने की कोशिश करेंगे है ना लेकिन आपका क्योंकि फिक्स्ड है तो तो बोलेगा नहीं और खींचेगा नहीं मैं तो तुम्हें पीछे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें आगे ही रखूंगा तो टेंशन मिल जाएगा टेम्परेचर कम रहा तो आपका टेंशन मिलेगा ठीक है तो ये आपका कंपोजिट बार्स हो गया लास्ट है आपका हुप स्ट्रेस एंड सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेस नाम से समझ में सरकम फाइनेंस में स्ट्रेस लग रहा है सरकम फाइलेंस तो ये आप नॉर्मली देखते हैं जैसे बैलगाड़ी है बैलगाड़ी में व्हील रहता है लेकिन वो क्या है आपकी मिट्टी में चलेंगे तो खराब हो सकते हैं तो इसके ऊपर क्या करते हैं स्टील की लेयर लगाते हैं है ना स्टील की लेयर सो so, इसमें दो डायमीटर डायमीटर रहते हैं स्मॉल डी इनिशियल डाय ऑफ स्टील रिंग स्टील रिंग का इनिशियल डाया डी है कैपिटल डी डाया ऑफ रिजिड वुडन व्हील रिजिड वुडन व्हील अच्छा अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी कैपिटल डी ग्रेटर है मतलब आपका क्या है सपोज ये आपका क्या है ये आपका वुडन व्हील है और आपका स्मॉल डी क्या है स्टील रिंग तो बोला है कि स्मॉल डी छोटा है अगर छोटा है तो इसमें फिक्स कैसे होगा तो इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड कैसे करेंगे थ्रू टेम्परेचर एक्सपेंड कर देंगे एक्सपेंड करके उसको कितना डायमीटर लाएंगे ये स्टील है उसका टेम्परेचर ये डी है है ना तो इसको एक्सपेंड कितना करेंगे अप टू कैपिटल डी तक करेंगे ताकि वो इसमें फिक्स हो जाए ठीक है सो कैपिटल डी क्या हो गया फाइनल ऑफ स्टील रिंग फाइनल डाया हो गया तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे फिर आपको फ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो आपके इसके ऊपर आराम से बैठ जाएगा ओके okay. ये आपका इनिशियल कितना था स्मॉल डी फाइनल डी कितना हो गया स्टील का कैपिटल डी तो चेंज हो रहा है ना डायमीटर में चेंज हो रहा है डायमीटर में चेंज हो रहा है सरकम में चेंज हो रहा है शुरू में सरकम कितना था पाई डी बाद में सरकम कितना हो गया पाई डी स्टील के कैसे बोरा वुडन तो आपका सेम ही रहेगा है ना तो आपके स्टील में इसके कारण क्या हो जाएगा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि चेंज इन डायमेंशन हो रहा है ना तो क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ चेंज इन सरकम्फरेंस कितना हो जाएगा फाइनल सरकमफरेंस माइनस इनिशियल फाइनल कितना है पाई इंटू कैपिटल डी माइनस पाई इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय पाई डी ये हो गया ये आपका क्या है ये है? आपका हुप स्ट्रेन पाई पे कैंसिल हो गया दैट इज कैपिटल डी माइनस डी बाई डी समझ के करना है ठीक है स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ तो स्ट्रेन के कारण क्या हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन टू यंग्स मॉड्यूलस तो आपको स्ट्रेस निकालना है तो हुप स्ट्रेस कैपिटल ई तो डी कैपिटल डी माइनस डी बाय स्मॉल डी दैट इज हुप स्ट्रेन इन टू ई डैट इज यंग्स मॉड्यूलस तो आपका क्या हो जाएगा हुप स्ट्रेस आ जाएगा ठीक है ये ध्यान रखना है स्टील का वुडन का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है स्टील का डायमीटर सिर्फ चेंज हो रहा है पहले आपका सरकंफ्रेंस पाई डी था तो बाद में सर्कम्फ्रेंस पाई डी हो गया क्योंकि स्टील को इसके ऊपर शिफ्ट इसको प्लेस करना है कवर करना है तो इसका डायमीटर छोटा है तो कवर कैसे हो पाएगा डायमीटर जब तक बड़ा नहीं हो पाएगा कवर नहीं हो पाएगा ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है आपका मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर फिक्सिंग स्टील का डाया कितना इनिशियल डी बाद में डाया कितना हुआ डी तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा कैसे एक्सपेंड किए टेम्परेचर को इंक्रीज करके एक्सपेंड किए ठीक है सो so, ये आपका स्टेन प्रोड्यूस हुआ था स, आपका हुप स्टेंट डेट इज कैपिटल डी माइनस डी बाई डी किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था चेंज इन टेम्परेचर के कारण डेट इज अल्फा टी सो टी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस डी आपका ये अल्फा इधर आ जाएगा सो so, इतना टेम्परेचर प्रोड्यू इंक्रीज करना पड़ेगा तभी जाके ये इस पर लग पाएगा डेट इज कैपिटल डी माइनस डी बाय अल्फा डी तो मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर अ फिक्सिंग ठीक है ये आपका टेम्परेचर हो गया कोई कुछ चीज़ें रटना नहीं है फॉर्मुला बुक में लिखना जरूर रिवाइज करते जाना ठीक है याद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ लोगे ना तो आराम से अगर क्वेश्चन अगर इन केस आता है तो आप सॉल्व कर लोगे अगर ये क्वेश्चन आता है ना इनकेस तो एकदम हाई लेवल का नहीं आ जाएगा बेसिक लेवल का ही आएगा ठीक है सो नेक्स्ट वीडियोज में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आराम से डिस्कस करेंगे वन मार्क्स और टू मार्क्स से ओके सो थैंक यू वेरी मच